अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेज़बान ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी और मिर्ज़ा नवीद के साथ चमेड़ा टीवी पर आपको खुश आमदेद कहते हैं। पूरे मुल्क भर की तरह खानावाली में भी नहायत ही अकीदत और एहतराम के साथ और जोश व जज्बे के साथ 12 रबीउल अव्वल का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मुस्तफ़ा मनाया गया। और यहाँ पर हमारे साथ मिर्ज़ा शफीक अहमद साहब मौजूद हैं। उन्होंने ये खूबसूरत नज़ारा कैसे बनाया, किस तरह बनाया और कब से ये बना रहे हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी मिर्ज़ा शफीक साहब, कितनी देर से आप ये बना रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जी तकरीबन बड़े भाई ने सिलसिला शुरू किया था तकरीबन 40 से 45 साल पहले, तो उनके रुफा का भी साथ होते थे। उसके बाद ये हमारी जिम्मे में ये ड्यूटी आ गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह 20-25 साल हमें भी हो गए हैं इसको मोहब्बत से अकीदत से बनाते हुए। और ये सारा सिलसिला जो है कुछ बच्चे साथ हो जाते हैं, कुछ रुफा का साथ हो जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये समझा है कि ये जिस तरह हमारा काम है ये सुविधा के साथ ये सारे फूल लगे हुए हैं, जितने भी बैनर्स हैं ना अल्लाह वाले, अल्हम्दुलिल्लाह वाले, मोहम्मद वाले, ये सारे सुविधा के से काम है। तो मिर्ज़ा ये बाजार से आप अकेले करते हैं सारा के आपकी टीम होती है? ये मुख्से सी टीम होती है। अच्छा जी, मुख्से सी टीम? जी जी मुख्से सी टीम होती है, बस कुछ बच्चियाँ होती हैं मोहल्ले की, गाँव की इर्द गिर्द की जो होती हैं वो सारा सुविधा के सारा काम करते। अच्छा, वो कॉपरेट करते हैं आपके साथ। जहीर साहब, क्या आप ये जुलूस भी 12 रबीउल अव्वल का यहाँ से निकालते हैं? ये जी वो मदरसे से आफ शकील अहमद जमाती की सरबराई में से निकलता अच्छा, है अच्छा। तो सारे गांव से होता हुआ फिर दोबारा उधर ही इहतमाम पजीर हो जाता है मदरसे में। तो इसमें जितने और भी गांव वाले हैं वो सारे शिरकत करते हैं? नहीं, तकरीबन यही खाना वाली गाँव के लोग आते हैं, बाकी हर गाँव में अपना अपना एक सिलसिला होता है, वो उधर ही मसरूफ़ होते हैं। ये जुलूस में जो तकरीबन ये जो गांव वाले होते हैं, खाना वाली गांव वाले होते हैं। मिर्ज़ा शफीक साहब, हमें एक और चीज़ बताएं, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम के पूरी दुनिया के अंदर जो खाके शाया किए गए हैं वो गैर मुस्लिम की तरफ से और पूरी उम्मत मुसलमान के जज्बात को मजरूह किया गया, इस हवाले से आप क्या मैसेज देते हैं? वो जी काबिल मजम्मत हैं बहुत ज़्यादा, ये मुसलमानों की ईमान की गैरत को ललकारा गया है जो कि बहुत बुरी बात है। तो असल में फेसबुक फेक भी चीज़ें होती हैं ना, हम बुक्स पे पीछे चले गए हैं, अच्छे राइटरों के पीछे मतलब वो नहीं जा रहे, जी, उनकी बुक्स नहीं पढ़ रहे, उनको फॉलो नहीं कर रहे जो अच्छे राइटर्स हैं या मुफक्कर हैं। आजकल सारे वो बस अपने अपना मसाला लगा के अपनी बातें पेश कर रहे हैं, लोग उसी को वो कर रहे हैं, लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि उस क्या कह सकते हैं तजिया कर सके कि कौन सा बंदा है वो सही बातें बता रहा है और कौन सा नहीं वो कर रहा है, ये चीज़ें हैं जी। अच्छा मिर्ज़ा साहब, ये आपको कितने दिन लगते हैं इसको कंप्लीट करने में? ये तकरीबन महीना लग जाता है, महीने से ऊपर भी हो जाता है। अच्छा, एक माह पहले इसकी तैयारी शुरू कर? जी बिल्कुल, एक माह पहले से, बल्कि एक माह से भी ज़्यादा पहले इसकी तैयारी शुरू कर दे। ये आपको काम देखें ज़रा, कितनी बारीकी से काम हुआ है, कितनी एक्यूरेसी है इसमें, बिल्कुल कलर्स देखने, ये सारा बुरा जो वुडन वो होता है ना सारा, जी जी ये करके जी जी उसमें कलर करते हैं, फिर उसको कलर करते हैं, ये कलर्स देखने, जहाँ भी आप विजिट करेंगे मेरे ख्याल इस तरह के कलर आपको कहीं भी नजर नहीं आएंगे। ओरिजिनल कलर? जी ओरिजिनल कलर है, ओरिजिनल कलर है जी, बिल्कुल ठीक है। और इस हवाले से आपके जो टीम के जो दोस्त है, आपके अहबाब आपके साथ होते हैं, जी जी। आप इन हवाले से क्या मैसेज देते हैं? ये जी इनका बहुत ज़्यादा मोहब्बत से तावन होता है, अल्लाह ताला इनकी उन्होंने इजाफा फरमाए, बरकत दे, रिज़्क दे इनको, बहुत अच्छा तावन करते हैं जी ये सारे, ये जितने भी माशाल्लाह सारे बच्चे हैं ये बहुत ज़्यादा तावन करते हैं। अच्छा मिर्ज़ा शफीक साहब, ये आप फ्रेश फूल लाते हैं? जी जी, सियालकोट से फ्रेश फूल लेके आते हैं, कुछ गुजरात से मंगवाने पड़ते हैं। अच्छा अच्छा जी, सारी कलियाँ फ्रेश होती हैं। और ये जो जगह है ये कितनी है? ये तकरीबन 2.25 मरला है। और ये जगह भी इसके लिए मुख्तस की है? इसके लिए मुख्तस की हुई है। बड़ी बात है जी जनाब, देखें जगह भी मुख्तस की है, तकरीबन 2 मरला जगह है। और उसके बाद ये जो फ्रेश फूल है ये गुलाब के और मुख्तलिफ मोतिये के, और ये सारे सियालकोट और गुजरांवाले से स्पेशली तौर पर इसके लिए लाए जाते हैं। बड़ी बात जी नाज़रीन, जैसा कि आपने मिर्ज़ा शफीक साहब और ज़हीर अहमद जो कि वापटा के अहलकार हैं माशाल्लाह, इनके वालिद ग्रामी नज़ीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह उनके ये साहबजादे हैं माशाल्लाह, और बड़ा जज्बा रखते हैं ईद मिलादुन नबी के हवाले से। ये एक माह पहले तैयारी करते हैं, इनके पूरे रुफ़ाका, इनकी पूरी टीम, बाकायदा तौर पर इसमें ख़वातीन भी हिस्सा लेती हैं। इस जो मरकज़ी जुलूस है वो इस खानावाली से बरामद होकर बाकायदा तौर पर पूरे गाँव का चक्कर लगा कर फिर यहाँ पर ही इख्तिताम पज़ीर होता है। और बच्चों का जोश जज्बा आप देख रहे हैं, और इस हवाले से उन्होंने बहुत खूबसूरत मैसेज दिया मिर्ज़ा शफीक साहब कि ऐसे माहौल में ऐसी
ऐसे दिन में हम बहुत ही अकीदत इहतराम से ये दिन भी मनाते हैं और उन गैर मुस्लिमों को ये मैसेज देना चाहते हैं, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की शान सबसे बुलंद तरीन है जिसका इकरार गैर मुस्लिम भी कर चुके हैं, लकद कान अलकुम फी रसूलुल्लाह उस्वातुन हसना, और हुरमत रसूल पर लाखों जानें कुर्बान, ये एक जान नहीं बल्कि पूरा जहान कुर्बान, इस हवाले से इनका जज्बा बहुत बुलंद है। तो ये खाना वाली जो हमने इस गांव के अंदर आपको ये दिखाया है, इन्होंने कितना खूबसूरत और इतने हसीन मनाजर बनाए हैं, इतने खूबसूरत वुडन का ये बूरा और ये पहाड़ियाँ और ये अल्लाह और उसके रसूल का नाम जिस तरह इन्होंने कुनिदा किया है, और ये देखें पीछे भी माशाल्लाह कितना खूबसूरत, जिस सुहानी गड़ी चमका तैबा का चांद, इस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम, इतना खूबसूरत इन्होंने लिखा है। और ये पूरी टीम जो इस वक्त नारे बुलंद कर रही है, सरकार की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा, मक्की मदनी की आमद मरहबा, तो ये इनका जज्बा है और ये जज्बा अल्लाह ताला इनका बुलंद रखे। और ये 40 से 45 साल हो गए हैं इनको, और इसके लिए बाकायदा तौर पर जिस तरह ये एहतमाम किया गया, ये खूबसूरत ये सजाया गया है, ये बहुत ही एक मिसाल है खाना वाली गाँव की। तो इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ुबैर अहमद सदीकी, मिर्ज़ा नवीद हुसैन को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए चिविंडा टीवी। अल्लाह हाफिज़।